ऑल राइट सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल आपके लिए। फाइनली आज का ये जो कलश स्थापना होने वाला है, यानी जो कलश होता है वो घर में स्थापित किया जाएगा आज, और दूसरा जो हमारा धागा बन जाएगा, तो दोनों काम आज ही होने वाले हैं। आज लगभग 7 बजे के करीब होने वाला है, अभी टाइमिंग हो रहा है कुछ 5-2 मिनट के आसपास, तो इसका जो प्रोसेस अभी 2 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। और हालांकि हमने जो कलश लेके आ चुके हैं और घर के बाहर खड़े हैं, यानी घर के बाहर ही रखा जाता है कलश को, जब तक जो उनको अंदर नहीं लेके आया जाता है। और अंदर लाने के लिए स्पेशली बता दूं कि रास्ते में अलग अलग सी रस्में होती हैं, तो उनको बंधाया जाता है, तलक लग निकाला जाता है, फिर उनको अंदर स्थापित किया जाता है और घर में लाके उनको स्थापित करते हैं, और 5वें दिन है जो वापस उनको उठाया जाता है। ऐसा कुछ होता है, धागे के दिन ही है जो शुरू होता है। तो मेरे यहाँ पे भी यही आज ही लगेंगे, मेरे कलश स्थापना भी होगी और ये धागा भी फाइनली आज ही बनने वाला, और जो लड़की वाले हैं उनके गर्भ भी आज ही स्थापित होगी और आज ही कलश लगेंगे, सब कुछ आज ही होने वाला है। तो फाइनली ऐसी कुछ जो रस्में होती हैं राजस्थान में, ऐसी और भी कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसे कुछ और भी है जो फंक्शन वगैरह जो रस्में होंगी, जो आगे आपको प्रोग्राम में बताता रहूंगा और डिटेल में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अभी हालांकि ये जो ऐसा कुछ होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कलश कैसा होता है वो आपको स्पेशली बता देता हूँ। तो सो फाइनली ये है जो कलश है, अभी इसमें फिलहाल जो खाली है, ठीक है, और ये जो अभी फिलहाल हमारे बाहर रखा हुआ है, यानी घर के अंदर नहीं जाता है स्पेशली, है ना, जब तक इसको जो बंधाई के उसके बाद में जो अंदर ले जाया ना होगा, ऐसा कुछ होता है सीन, ऐसा होता है। देखो कंफर्म ये पता नहीं मुझे, लेकिन जब होगा आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल ऐसा कुछ होता है कि जो अंदर ये नहीं जाएगा जब तक इसको बंधाते हैं, जिसके तलग अलग निकालेंगे उसके बाद ही अंदर ले जाएगा, ठीक है। और हाँ जी गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फाइनली अपनी जो कार बुक हो चुकी है, यानी दूल्हा राजा के लिए फाइनली जो कार बुक हो चुकी है। कैसी कार है आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो हरंग के जो हमारे रेट हैं वो 1500 के करीब लगी है, बाकी जो अलग अलग सिटी के हिसाब से, अलग अलग कार के हिसाब से जो होता है इनका चार्जेज होते हैं। बाकी जो हमारे जो अभी किराए पे बुक की गई है एक दिन के लिए ओनली, जो 1500 रुपये में की गई है, और सजावट वगैरह करके 3000 के करीब बैठ जाएगा। तो फाइनली जो टोटल है जो हमारा खर्चा बैठेगा तो 3000 का बैठेगा जो कार का रहेगा, और बाकी जो अलग अलग सिटी में अलग अलग रहता है, जो कहीं कहीं जो ओडी मंगाते हैं, मर्सिडीज मंगाते हैं, अलग अलग सी उनकी रेटें होती है यार। तो फिलहाल हम जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लो कंडीशन से हैं, तो उसी हिसाब से हमने 3000 में फाइनली बुक कर दिए हैं, और कार फाइनली बुक हो चुकी है। कार आपके सामने देख लो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और शिफ्ट है, इसको अभी 2-3 महीने ही हुए हैं फाइनली लिए हुए, तो कहीं कहीं जो मुझे अच्छा लगा, और फाइनली हमने 1500 में बुक कर दी, और ये मेरे दोस्त की ही गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो दोस्त के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से, और वो शादी में भी आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने फाइनली 1500 में बुक कर दी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए खुद घुस खबरी थी, तो ये भी आपको हमने बता दी। और आने वाली और भी जो रस्में होंगी, और भी प्रोग्राम होगा, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ वीडियो के साथ, अगली बार जय हिंद, वंदे मातरम।